मंच को नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर, आपको प्रणाम करता हूँ। आपके पांव जिस फर्श पे पड़ते हैं उस फर्श को प्रणाम करता हूँ। ये फर्श जिस सीमेंट से बनी है उस सीमेंट को प्रणाम करता हूँ। सीमेंट के एक एक कण को प्रणाम करता हूँ। कण के अंदर के एक एक अणु को प्रणाम करता हूँ। अणु के अंदर के एक एक परमाणु को प्रणाम करता हूँ। नाभिक को प्रणाम करता हूँ। चक्कर काटते इलेक्ट्रॉनों को प्रणाम करता हूँ। यानी मैं आप सबको इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। अब किससे ज्यादा मैं और क्या गिरूंगा। हाँ, ये भाती नहीं है हमको दिलो जान की बातें, भाती नहीं है हमको दिलो जान की बातें, आओ करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातें। परमाणु पर मंथन करें, पेट्रोल पर चिंतन, मिलकर करें हम देश के बेईमान की बातें। आइए इसी गोत्र की चार पंक्तियां और सुन लीजिए। समंदर की है बेचैनी, उसे साहिल नहीं मिलता ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। वो ग्लेशियर पिघलते हैं तो सी लेवल इंक्रीज करता है। समंदर की है बेचैनी, उसे साहिल नहीं मिलता, यहाँ तो आदमी का आदमी से दिल नहीं मिलता। तो जहाँ पर खून हिंदुस्तान का रग रग में बहता है, वहाँ की पत्नियों में आज क्लोरोफिल नहीं मिलता। आदरणीय निर्मल दत्ता मुझे तिरछी निगाहों से देख रहे हैं। कुछ जो है अपने अंदर प्रेम की भूख पैदा करो। मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर तो पेट की भूख ज्यादा है, वरना एक साइंटिस्ट कविता पढ़ने क्यों आता। तो मैंने कहा कि प्रेम की भूख पैदा करो। इन्होंने उदाहरण दिए, कहे देखो लैला मजनू ने प्रेम किया, प्रेम की भूख देखिए। रोमियो जूलियट सीरी फरियाद, देखो प्रेम के लिए कुर्बान हो गए, प्रेम की भूख बहुत बड़ी होती है। मैंने कहा नहीं, पेट की भूख बड़ी होती है। आप इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देखिए, बेचारे कुर्बान ही हैं। अच्छा, तो सिद्ध नहीं हो पा रहा था, हमने प्रैक्टिकल किया। मैं एनिमल हाउस में, मेरे यहाँ लैब है पूरी, तो वहाँ पे चूहा और चूहिया दोनों एक साथ रहते थे। चूहे को चूहे से हमने अलग कर दिया और चूहे को लगातार 7 दिन तक भूखा रखा, और 7 दिन के बाद चूहे के सामने मटर का दाना रखा, बगल में चूहिया रखी। अब देखते हैं कि चूहा चूहे के अंदर प्रेम की भूख का रहा है। चूहे ने मटर के दाने को देखा, फिर चूहिया को देखा, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में वापस लेने चला गया। अच्छा, तो फिर उसे 7 दिन तक भूखा रखा। हम भारतीय वैज्ञानिक है, जब तक रिजल्ट नहीं आता था प्रयोग करते ही जाते। तो फिर 7 दिन तक भूखा रखा चूहे को, फिर उसके सामने अब की बार चने का दाना रखा, बगल में चूहिया रखी, उसने चने के दाने को देखा, चूहिया को देखा और वापस अपने पीड़े को फिर चला गया। गेहूं का दाना रखा गया, बगल में चूहिया रखी गई, उसने गेहूं के दाने को देखा, फिर चूहिया को देखा और फिर गेहूं का दाना खा लिया। हमने कहा देखिए दादा, मैं कह रहा था ना कि पेट की भूख ज्यादा बड़ी होती है। बगल में वाहिद अली वाहिद जी पूरा एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, बोले पंकज जिस तरह से तूने ये दाने बदले हैं, अगर उस तरह से तू चूहिया बदलता। जैसा आप लोग सोचते हैं कर नहीं पाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम अच्छी तरह समझता हूँ। अभी पिछले दिनों प्रेम चतुर्दशी नामक पावन पर्व पूरे देश में मनाया गया। प्रेम सप्ताह आया और चला गया, लेकिन बीटेक के विद्यार्थी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
रिप्लेसमेंट रूपी मोक्ष की प्राप्त हो। अच्छा कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें मोक्ष नहीं मिलता, ये आत्माएं भटकती रहती हैं और एमटेक में प्रवेश कर जाती हैं। अब ऐसी आत्माएं एमटेक करती हैं, उसके बाद में गेट वेट से अंदर आकर के फिर बीटेक वालों को तपस्वी बनाती हैं। बहुत अच्छा, एक बीटेक का विद्यार्थी मुझे मिला था, बड़ी फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा पे था, वो खड़िया का था, इलाहाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला मुझे, बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उसे एक सूत्र वाक्य बताया और उसके बाद में फिर वो बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं बन पाया। वो बहुत बड़ा कवि बन गया। मैंने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, उस तो इस छोटे से वैज्ञानिक ने कहा कि इफ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन देन फ्रस्ट्रेशन इज द फादर ऑफ इनोवेशन। तो जीवन में फ्रस्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। आइए, तो मैंने सोचा था कि मैं प्यार करूंगा, देखिए मेरे साथ हालत क्या हुई। मैं कविता पढ़ता हूँ कि गौर किया तो हालत मेरी पतली निकली, गौर किया तो हालत मेरी पतली निकली, जुल्फ घनेरी उसकी एकदम नकली निकली। गौर किया तो हालत मेरी पतली निकली, जुल्फ घनेरी उसकी एकदम नकली निकली, और जिससे प्यार किया था मैंने निकली तुतली, और जिसको हक से मारा था वो हकली। जो बनती थी मिसेज खुराना वो तो जहर खुरानी निकली। कि वो आएगी फूल खिलेंगे ऐसा मैंने सोचा था, वो आएगी फूल खिलेंगे ऐसा मैंने सोचा था, शॉपिंग का बिल देख फूल ने फिर बालों को नोचा था। उम्र हुई जब 65 तब लैला मजनू ने ये जाना, सब डीएनए का डिफेक्ट था, हार्मोन का नोचा था। ये सब आप सब जो है केमिकल इंजीनियर हैं, ये सब बायोकेमिस्ट्री होती, प्यार कुछ होता नहीं, बस ये सिंपल जो है मैं भी बताऊंगा, इसके बारे में बताता चलूंगा। तो अभी निर्मल अद्दा कह रहे थे कि वहाँ पे जाना बड़े अच्छे से होता है, ऐसा करो कि तुम शायरी लिखो, वहाँ पे शायरी सुनाओ। मैंने कहा मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, मैं शायरी नहीं कर पाता हूँ। बोले क्या इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर की डिग्री की जरूरत थोड़े होती है। तो मैंने फिर लिख दिया, हमने कहा देखते आप झेलिए, आप सबसे बढ़िया शायरी सुना रहा हूँ दत्ता, मन से आशीर्वाद चाहता हूँ। कि सुकून नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। अटमोस्ट शायरी गालिब और मीर के पांच हाथ आगे की शायरी। सुकून नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू मजी अलवर रजा दीजिए। पहली बार सुकूने नक्श के दौरे सुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू मजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक किसको समझ पाया नहीं बन हो, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। तालियां हम कवियों के लिए जैसे झंडू बाम, तुरंत बजाओ तुरंत आ रहा। क्या तालियां तभी बजती हैं दोस्तों जब दिल से दिल मिलते हैं। आजकल प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पा रहा है। वो क्या है ना कि हमारे देश में हार्ट अटैक से ज्यादा तो हार्ट ब्रेकिंग के केसेस होते हैं। दिल के मामले में जो फेल होते हैं ना उनका बाईपास भी नहीं हो पाता है। और अला जी मैं बता दूं, दिल की माली हालत बड़ी खराब है। देखिएगा, चार पंक्ति आपको समर्पित करता हूँ 60 साल के ऊपर वालों के लिए है, कि कैसे बने सहारा दिल, कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल, ये है दिल की असलियत। कैसे बने सहारा?
प्यार घटा है, फैट बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल तो मारा दे। और जो प्रेमी का दिल तोड़ता है ना, उसे हमारे भारतीय प्रेम शास्त्र में बेवफा कहा जाता है, और जो जनता का दिल तोड़ता है उसे हमारे भारतीय राजनीति शास्त्र में नेता कहा जाता है। मित्रों, सुना है कि ऐसा मुझे बताया गया था कि आपका आईक्यू लेवल बड़ा स्ट्रांग है, आप टॉप 500 में से आते हैं। मैं आपका आईक्यू टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर रहा हूँ देश के दो बड़े नेताओं का, एक बीजेपी का है और दूसरा कांग्रेस का है। एक नेता का नाम मैं बताऊंगा और दूसरा नेता आप बताएंगे। देखिएगा तुलनात्मक अध्ययन, देखिएगा स्कोर, देखिए हमारा। देश के दो बड़े नेता एक चेतना का, दूसरा चरित्र का प्रणेता, एक राष्ट्रीय स्तर का कवि, एक राष्ट्रीय स्तर का कवि, दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभवी, एक संन्यास लेने के बाद, एक राजनीति से संन्यास लेने के बाद कभी नहीं दिखा, दूसरा मीडिया में लगातार दिखता रहा, एक ने 51 कविताओं की किताब लिखी, दूसरा जेनेटिक्स की बुक लिखता रहा। वाह, थोड़ा सा टाइम कर देता हूँ। दूसरा जेनेटिक्स की बुक लिखता रहा, एक दूसरा जेनेटिक्स की बुक लिखता रहा, एक संन्यास लेने के बाद कर रहा है रेस्ट, दूसरा करवा रहा है डीएनए पे डीएनए टेस्ट, दूसरा करवा रहा है डीएनए पे डीएनए टेस्ट। एक था आजीवन ब्रह्मचारी, दूसरा था कामदेव का आभारी, पहले वाले नेता है आदरणीय अटल बिहारी और दूसरे वाले आईक्यू टेस्ट में आप पास हो गए, अपने लिए जोरदार ताली। इस समय देश में एक महोत्सव चल रहा है, आरोप लगाओ महोत्सव। एक व्यक्ति पढ़ रहा हूँ, आप बहुत सुधी लोग हैं, एक व्यक्ति पढ़ रहा हूँ। अभी मैं आ रहा था यहाँ पे, कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, 3-4 कुत्ते सामने खड़े हुए थे, वहीं से कविता ने जन्म लिया। मैं ये देखकर चौंक रहा था एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। मैंने कुत्ते से पूछा, क्यों भौंक रहे हो भाई, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला, नहीं, देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है, मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तरीका बताइए। मैं बोला, तो गिनीज बुक के दफ्तर जाइए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैंने बोला, तो गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला, मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, और संपादक ने जो बोला है, अगर एक राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कि संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला, कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, कुत्ते माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना, आजकल ये रिकॉर्ड किसी नेता के नाम दर्ज है। देखिए क्या हालत हो गई है देश की। अभी निर्माता खड़े थे पंकज प्रसून, बड़ी खराब हालत है। मैं आज के 10 साल पहले जनरल स्टोर की दुकान पे जाता था, सिर्फ 20 रुपए लेकर मैं चीनी चाय पत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती सब ले आता था, अब नहीं ला पाता हूँ। हमने कहा, हाँ दादा महंगाई बढ़ गई है ना? बोले, पंकज महंगाई महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है, अब CCTV कैमरे लग गए हैं। दुकानदार चौंका, ग्राहक को बार बार सामान उठाते और फिर वही रखते थे, दुकानदार चौंका, बोला, क्या चाहिए? भाई जी मौका। और देखे मित्रों, मौका परस्ती कैसे राजनीति का हमारा परिदृश्य कैसे चेंज हो रहा है। जमीन से जुड़ा नेता है और हवाई घोटाले कर रहा है। तो मैंने एक झटका लिखी हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर के, देखिएगा कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर रहे नेताजी के हेलीकॉप्टर की खिड़की अचानक टूट गई। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर रहे नेताजी के हेलीकॉप्टर की खिड़की अचानक टूट गई, टंकी में लीकेज होने लगा, सीट फिसल गई, यूं समझिए नेताजी की हवा निकल गई। किसी तरह पायलट ने उनको बचा।
कुदाया, नीचे गिरते नेताजी के हाथ से नट बोल्ट टकराया और टूट गया। देख पकड़िएगा, नीचे गिरते नेताजी के हाथ से नट बोल्ट टकराया और टूट गया। बोले ओहो, चीनी मिट्टी का नट बोल्ट? फिर तो उनका दिमाग चकराया था। बोले अरे ये तो वही जहाज है जिसकी खरीद में हमने कमीशन खाया था। अभी निर्मल अंदर कह रहे थे कि पंकज सुन, तुम्हारी कविताओं में धार नहीं है, तो ऐसा करो कि तुम शादी कर लो। मैंने कहा कि क्यों करूं, मुझे अपनी खुशी प्यारी है। बोले नहीं, शादी कर लो, पत्नी बढ़िया मिल गई, जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, पत्नी बेटा मिलेगी तो कविता बढ़िया हो जाएगी। तो मैंने रिस्क ले लिया। हमने कहा चलो कुछ ना कुछ तो अच्छा होना ही है। अब मैंने शादी कर ली, पत्नी को मालूम चला कि मैं साइंटिस्ट होने के साथ साथ कभी भी हूँ। अब लगी प्रमाण पत्र मांगने। हम बोले अपने कभी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करो। मैंने कहा क्या करूं? बोले कि ऐसी कविता लिख के दिखाओ कि मेरे पांव जमीन पे ना पड़े। मैंने उसको दूसरे वे में ले लिया। हमने कहा उछलो, कूदो, मटको, पांव जमीन पे नहीं पड़ेंगे। उछलो, कूदो, मटको, फांसी का फंदा लगा लो और 2 घंटे लगते। अच्छा, उसके बाद जो है मेरा 2 महीने का भूखा पानी बन रहा। तो मुझे लिखना पड़ा मन मार के। अब देखिएगा एक वैज्ञानिक और कविता लिखेगा सुंदरता की तारीफ में तो क्या लिखेगा, देखिएगा। और एक उपमा पे आपकी तालियां कि कल्पना और प्रयोग की पूरी आजादी। कभी कल्पना करता है साइंटिस्ट, प्रयोग करता है। कल्पना और प्रयोग की पूरी आजादी, यानी एक शायर टाइप वैज्ञानिक की शादी। मैंने अपनी पत्नी की तारीफ में कसीदे गढ़े थे जिसे उसने मेरी प्रैक्टिकल डेटा बुक से पढ़े थे। मैंने लिखा था, अब आपकी तालियां चाहिए। मैंने लिखा था, ऐ मेरे नोबल प्राइज की ज्यूरी, माय डियर मैडम क्यूरी, तुम्हारी आंखों में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण है। तुम्हारी आंखों में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण है जिसमें नशा इस तरह भरा है जैसे एसिड के डिब्बे में एल्कोहल भरा है। तुम्हारी पलकें जैसे ब्लैक होल के ऊपर ओजोन की परतें। तुम्हारी पलकें जैसे ब्लैक होल के ऊपर ओजोन की परतें और मुस्कान जैसे मंगल ग्रह पे चंद्रयान। तुम्हारी चाल गति के नियम बताती है। तुम्हारी चाल गति के नियम बताती है और वाणी में तो इतनी मिठास कि मुझे जवानी में डायबिटीज का विश्वास। जरूरत है तो मोहब्बत के करंट की, जरूरत है तो मोहब्बत के करंट की, जुड़ गया है मन से मन का वायर, अरे मैं आइंस्टीन तुम मेरी एमसी स्क्वायर। तुम खुशी हो तो मैं हर्ष हूं, अरे तुम वर्नियर हो तो मैं कहीं भी पास हूं। तो मेरी डायरी पत्नी ने पढ़ी, मेरी डायरी पढ़कर पत्नी हो गई फिरंड, वो थी इतिहास की स्टूडेंट। अब देखिए, वो इतिहास की है, वो थी इतिहास की स्टूडेंट। उसने व्यंग की धार मेरे ओर मोड़ दी और मेरे सम्मान में कुछ ऐतिहासिक पंक्तियां जोड़ दी। अब मेरा चेहरा और उसकी कविता सुनिए। मेरे सम्मान में कुछ ऐतिहासिक पंक्तियां जोड़ दी। उसने लिखा, ऐ मेरे हृदय प्रदेश, ऐ मेरे हृदय प्रदेश, हड़प्पा के दौरों में से उठा दिया के अवशेष, तुम्हारा दिमाग साहित्य और साइंस के बीच भटक गया है और चेहरा श्रीलंका की तरह लटक गया है। उस पर ये फ्रेंच कट दाढ़ी जैसे बाराबंकी में बंगाल की खाड़ी। तुम्हारे दिल और दिल
दिमाग का तो अजब है सीन, तुम्हारे दिल और दिमाग का तो अजब है सीन, एक इजराइल है दूजा फिलिस्तीन। और मैं गाजा पट्टी, उसे जो लिखना था लिख गई, अगले दिन डायरी मुझे दिख गई, मैं उसकी उपमाओं में खो गया और मत संचालन करने वाला ये कवि रिमोट से संचालित मनमोहन हो गया। मुझे लगता है मेरी पत्नी साहित्य की उतरी जमीन पर चलने वाला आलोचना का रोलर है, यूं समझिए मेरी कविता की क्वालिटी कंट्रोलर है। अगर वो देवी है तो मैं भक्ति हूँ, अगर वो शक्ति है तो मैं सह शक्ति हूँ।